क्योंकि ये एक ऐसा ऑटो है जो घरेलू ईंधन से चलता है, मतलब घरेलू ईंधन से चलने वाला ऑटो है, हर घर में यूज होने वाली ईंधन होता है। पेट्रोल डीजल सीएनजी डलाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं डलाने की। तो सर डीजल और सीएनजी मतलब सीएनजी पंप पर लंबी लाइन पर लगने की जरूरत मतलब नहीं है, ये तो अपना बस घरेलू ईंधन है, इसको अपने घर पे आराम से चार लोग बैठ सकते हैं और ड्राइवर भाई जैसे परेशान हो जाते हैं तो आराम से आराम भी कर सकते हैं, काफी तगड़ा है। मतलब हिसाब से तो इसमें 12 नहीं तकरीबन 14 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं इसमें, और आप इसमें मतलब एज ए कार्गो भी यूज कर सकते हो इस ऑटो को। और पेट्रोल होता है ना एथेनॉल, ये भी अलग पेट्रोल आता है, ये बहुत सस्ता आता है। कितने रुपए लीटर आता है एथेनॉल? 50 से 55 के केजी के हिसाब से आता है, मतलब 50 से 55 रुपए पर लीटर में आ जाता है। इस टाइम कंपनी ने बहुत बड़ा बम्पर ऑफर दिया हुआ है जो कि 24,999 में आप ऑटो ले जा सकते हैं। मतलब जय हिंद दोस्तों, आज जो आप मेरे पीछे ऑटो देख रहे हो ना, ये ऑटो है ना आपके घर के ईंधन से चलने वाला ऑटो है, यानी कि हर घर में पाए जाने वाला ईंधन ये ऑटो चलेगा। इस ऑटो के अंदर है ना आपको डीजल डलाने की जरूरत नहीं है, आपको पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं है, आपको सीएनजी पंप पर लंबी लाइन पर लगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये सब कुछ डलता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑटो है ना आपके घर के ईंधन से चलने वाला है। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये भी है कि आप इस ऑटो के अंदर है ना 12 पैसेंजर आराम से बिठा सकते हो, मतलब स्पेस में भी काफ़ी बड़ा है, और कीमत सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे कि कीमत में भी काफ़ी सस्ता ऑटो है ये दोस्तों। और इस ऑटो पर है ना दिवाली ऑफर भी चल रहा है, दिवाली से पहले यदि आप इस ऑटो को लेते हो ना तो आपको कुछ प्राइस भी दिया जाएगा और कुछ छूट भी दी जाएगी। तो आज मैं इस ऑटो का फुल रिव्यू कराऊंगा, हर एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, इसके इंजन के बारे में बताऊंगा, इसके टायर साइज के बारे में भी बताऊंगा, हर एक एक चीज़ का रिव्यू कराने वाला। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों आज मैं इस ऑटो का फुल रिव्यू कराऊंगा, और जो सामने जो भाई खड़े हैं ना ये यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, और थोड़ा दोस्तों मैं इस ऑटो को बाहर इसलिए लेकर आया हूँ, ये भरतपुर का ट्रांसपोर्ट नगर है, और थोड़ा इसलिए बाहर लेकर आए क्योंकि शोरूम के आसपास काफ़ी साउंड रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ऑटो को थोड़ा बाहर लेकर जाएं और थोड़ा इसका फुल रिव्यू कराएं आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों आप लोगों के लिए ना हम समय समय पर आप लोगों के लिए नए नए अपडेट लेकर आते हैं ऑटो से रिलेटेड, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपे सिटी का मेट्रो ऑटो, और आज हम आपको इसका फुल रिव्यू कराने वाले हैं इस ऑटो का। तो सर ये बताइए इस ऑटो की मतलब क्या खूबी रहने वाली है, मतलब ये सभी ऑटो से क्यों मतलब अलग है, मतलब इसकी ऐसी क्या विशेषता है इसकी? इसकी खूबी ये होने वाली है क्योंकि ये एक ऐसा ऑटो है जो घरेलू ईंधन से चलता है, मतलब घरेलू ईंधन से चलने वाला ऑटो है, घर में यूज होने वाली ईंधन होता है, ईंधन होता है यानी कि घर के ईंधन से चलेगा? जी बिल्कुल। अच्छा इसमें पेट्रोल डीजल सीएनजी डलाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं डलाने की? तो सर डीजल और सीएनजी मतलब सीएनजी पंप पर लंबी लाइन पर लगने की जरूरत मतलब नहीं है, ये तो अपना बस घरेलू ईंधन है, इसको अपने घर पे डालो चलाओ। यार दोस्तों मतलब आप जो ऑटो देख रहे हो ना ये ऑटो कितना बड़ा ऑटो है ये, और ये चलेगा आपके घर के ईंधन से, मतलब वाकई आज हम इस ऑटो का फुल रिव्यू कराने वाले हैं आप लोगों को। बताइए मतलब थोड़ा हमारे व्यूवर्स के लिए आप एक बार इस ऑटो का फुल रिव्यू करा दीजिए, मतलब कंपनी इसमें कितनी सीटिंग कैपेसिटी दे रही है, कितने सीसी का इसमें इंजन दे रही है, टायर का साइज क्या रहने वाला है, इसका डैशबोर्ड वगैरह थोड़ा हमारे व्यूवर्स के लिए इसकी फुल पूरा जो भी इसका रिव्यू वो करा दीजिए एक बार। आइए सर, ये ड्राइवरों के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है, इसलिए इसमें कंपनी ने इसमें मोबाइल यूएसबी कनेक्टेड दिया है। अच्छा मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो इस ऑटो के अंदर, और काफी मतलब डीप दे दिया ये जगह, मतलब मोबाइल आराम से सेफ रहना। अच्छा सर इसके अंदर गियर कितने हैं इसके अंदर? इसमें सर चार गियर होते हैं। चार गियर दिए कंपनी ने इसके अंदर, मतलब बैक गियर सही चार गियर है या फिर अलग? गियर अलग से है, चार गियर मेन है इसके, एक बैक गियर यानी पांच गियर में, मतलब पांच गियर में ये ऑटो है जी। अच्छा सर इसकी इसकी सर ये हैंड ब्रेक हो गई आपकी, यहाँ पे ये हैंड ब्रेक है जी, और सर इसका बैक गियर कहाँ से डलता है इसका? ये बैक गियर है सर इसका, बैक गियर, और सर ये बगल में छोटा वाला बटन चौक है सर। अच्छा ये चौक है इसका जी। अच्छा सर इसके अंदर ब्रेक कौन सी होने वाली है? इसमें ऑयल वाली ब्रेक होने वाली है ब्रेक। अच्छा मतलब ये ब्रेक है मतलब ऑयल वाली या। अच्छा और सर इसकी टॉप स्पीड कितनी होने वाली है? टॉप स्पीड रहेगी आपकी 50 से 60।
50 से 60 जी, मतलब 50 से 60 तक स्पीड पे ये दौड़ेगा जी जी। अच्छा अच्छा सर, इसके बारे में भी बात करते हैं, तो इसका स्पेस वगैरह भी हमें दिखा दीजिए। इसमें सर सबसे पहले देखो आप, जो कारों में जो गेट होते हैं वो वाले सिस्टम है, मतलब डबल लेयर की खिड़की लग रही है मेरे को। मतलब और कंपनी है तो सर ज्यादातर सिंगल लेयर की खिड़की देती है, इसमें डबल की है, इसमें मतलब डबल लेयर की खिड़की दे रही है। तो दोस्तों आप जो खिड़की देख रहे हो ना, ये जो खिड़की, ये डबल लेयर की खिड़की है, यानी कि आप दोनों साइड में मतलब काफी हैवी खिड़की होने वाली है। ऐसा नहीं कि सिंगल, अदर कंपनी क्या होती है कि ज्यादातर सिंगल लेयर की खिड़की दे रही है, लेकिन आप पे सिटी डबल लेयर की हैवी खिड़की दे रही है। अच्छा सर, इसमें अगर सिटिंग की बात करें तो कितने लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें? इसमें सर आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं, और ड्राइवर भाई जैसे परेशान हो जाते हैं तो आराम से आराम भी कर सकते हैं। काफी तगड़ा है, मतलब बैठने के लिए, मतलब काफी, मतलब लंबी सीट दे दी है कंपनी, सीट है आराम से, मतलब 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे 4 लोग इस सीट पर बैठ गए तो 12 लोग किस तरीके से बैठेंगे? 4 लोग इस पे आ जाएंगे, एक सीट आपकी इधर लगेगी। अच्छा, ये कस्टमाइज रहेगी जी, आरटीओ कराने के बाद, मतलब बाद में ये सीट यहाँ लगवानी पड़ेगी, सीट यहाँ लगेगी, थोड़ी सी ये सीट शायद पीछे करानी पड़ेगी। ये सीट आपको 4 इंच के अंदर करीब जाएगी, आ जाएगी। और यहाँ पे गैप भी देखो दोस्तों, काफी स्पेस काफी अच्छा दे दिया कंपनी ने, यानी कि एक सीट आप आराम से यहाँ लगा सकते हो, और 4 यहाँ पे, यानी कि 4 यहाँ पर बिठा सकते हो, 4 इधर बिठा सकते हो, यानी 8, और 2 शायद ड्राइवर के आजू बाजू भी शायद बिठा सकते हो। 2 सीट आपकी यहाँ लग जाएंगी, आपकी ड्राइवर के आजू बाजू, यानी कि दाएं बाएं 2 सीट पैसेंजर यहाँ बिठा सकते हैं, यानी कि आप टोटल 8 लोग यहाँ बिठा सकते हो, और आप 2 लोग यहाँ बिठा सकते हो, यानी 10 लोग। अच्छा, और भी कहीं इसमें सिटिंग की व्यवस्था है इसके अंदर? सर आइए, एक सीट सर इसमें यहाँ लगेगी पीछे। अच्छा, यहाँ लगेगी, थोड़ा ये डाला खुल सकता है इसका? अच्छा सर, मतलब एक सीट यहाँ पे ड्राइवर भाई यहाँ पे भी लगवा सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे कितने लोग बैठा सकते हैं? यहाँ पे आराम से आप 3 से 4 लोग पीछे बैठा, 3 से 4। तो सर उस हिसाब से तो इसमें 12 नहीं, तकरीबन 14 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और सर इसको एज ए कार्गो भी यूज कर सकते हैं, सामान वगैरह धरने के लिए भी, जैसे किसी भाई को अगर लोडिंग ले जाना है तो इसमें अपन सीट फोल्ड करके अपन ले जा सकते हैं। मतलब सामान भी रख सकते हो आप इसमें, मतलब एज ए कार्गो भी यूज कर सकते हो इस ऑटो को। और कंपनी है ना वो यहाँ पीछे दे दिए यहाँ पे, और बैटरी जो आप देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे बैटरी दे दी है, और काफी सामान मतलब आप इस ऑटो के अंदर रख सकते हो, यानी कि टोटल आप इस ऑटो में 12 से 14 पैसेंजर आराम से इजीली बिठा सकते हैं। अच्छा सर, बात करते हैं अब इसकी इंजन के बारे में, तो इसका इंजन कहाँ पर है कंपनी ने? ये इंजन बिल्कुल आपको जस्ट पीछे दिया है, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं आए ड्राइवर भाई को। अच्छा सर, यहाँ पर ये इस कंपनी ने इंजन दे दिया है जी। अच्छा सर, ये बताइए इंजन कितने सीसी का है, होने वाला इसका इंजन है वो 235 सीसी का इंजन है सर। 235 सीसी का इंजन दे रही है, यानी कि अगर इंजन की बात की जाए तो काफी हैवी इंजन हो जाता है 235 सीसी का इंजन। तो दोस्तों 235 सीसी का इंजन दे रही है, काफी हैवी इंजन है, मतलब लोड के हिसाब से आप आराम से 12-14 पैसेंजर भी आप बैठा सकते हो, और एज ए कार्गो भी आप इस ऑटो को यूज कर सकते हो आप इस ऑटो को। अच्छा सर, ऑटो की सेफ्टी के लिए यहाँ पे कंपनी ने बम्पर भी दे दिया साइड में, पीछे आप जो देख रहे हैं बम्पर भी लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, मतलब कंपनी दे रही है ना ये बम्पर, मतलब अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसका ऑटो का थोड़ा लुक दिखा देता हूं मैं आपको सामने से, मतलब काफी अच्छा ऑटो होने वाला है, और काफी साइज में भी ये ऑटो है ना काफी बड़ा ऑटो है, मतलब आप ये कह सकते हो जैसे कि बजाज के अंदर मैक्सिमा जेड जो ऑटो आता है उसी की, मतलब उसी की तरह से ये ऑटो है बजाज आप पियाजियो का मेट्रो, जो कि आप 12 से 14 पैसेंजर आप इस ऑटो के अंदर इजिली आप बिठा सकते हो। अब बात करते हैं इसके, इसमें डलने वाले फ्यूल के बाद, तो इसमें कौन कौन से फ्यूल डलते हैं इसके अंदर? फ्यूल जैसे कि सर आपको घरेलू ईंधन। अच्छा, मतलब घरेलू ईंधन, मतलब कौन सा ईंधन है जो घरेलू, मतलब जो आप बात कर रहे हो जिसको आप रसोई में यूज करते हैं, मतलब रसोई में? तो सर और जो ईंधन है जैसे पेट्रोल है, CNG है, उससे बहुत कम सस्ती रेटों में जो मिलता है आपको, जिससे घरेलू ईंधन बोलते हैं, जो घरेलू खाना बनाते हैं। तो सर घर में तो LPG यूज होती है सर, उसी से चलने वाली चीज है LPG से। तो सर LPG तो मात्र 58 से 60 रुपए पर केजी पड़ रही है, 58 से 60 रुपए केजी पड़ती है घर का सिलेंडर तो। और CNG पड़ रही है तकरीबन 90 रुपए, 90 से 95 रुपए पर केजी, यानी कि दोस्तों ये आप जो ऑटो देख रहे हैं ना ये चलने वाला है LPG से। आप हम ये आप जो देख रहे हैं ना कंपनी LPG से दे रही है इसको, माने यानी कि आप LPG वाला इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। तो सर साथ में इसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन दे रही है, पेट्रोल टैंक भी है। तो पेट्रोल टैंक कहाँ पर दे रखा कंपनी ने? पेट्रोल टैंक ये है आपका, ये यहाँ पे पेट्रोल टैंक दे रखी है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे E20, मतलब आप पेट्रोल यूज कर सकते हो। E20 का मतलब है आप एथेनॉल मिक्स पेट्रोल भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, जो कि काफी फायदेमंद है। E20 का मतलब होता है जो एथेनॉल पेट्रोल होता है ना, एथेनॉल ये भी अलग पेट्रोल आता है, ये बहुत सस्ता आता है। कितने रुपए लीटर आता है एथेनॉल? 50 से 55
के भाव के हिसाब से आता है, मतलब 50 से 55 रुपए पर लीटर में आ जाता है। तो मतलब ये एथेनॉल के अंदर पेट्रोल, मतलब पूरा एथेनॉल से चलाया जाता है या पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जाता है? सर ये पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जाता है। कितने परसेंट? 20% के समथिंग। यानी कि 20%, यानी कि आप एथेनॉल डाल सकते हो 20%। तो फिर सर इससे इंजन खराब होने का कोई चांस? कोई चांस नहीं है सर, और इंजन में जान बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस? नहीं सर, इसको कंपनी खुद ने प्रमाणित करके दे गई है ना, मतलब एथेनॉल से चलाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी E20, यानी कि 20% आप पेट्रोल में एथेनॉल डाल सकते हो आराम से, तो कंपनी खुद प्रमाण करे। अगर शुद्ध पेट्रोल में यदि आप 800 ग्राम पेट्रोल में यदि आप 200 ग्राम एथेनॉल डालते हो तो आप इस ऑटो को चला सकते हो और इससे इंजन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा सर ये बताइए जी, गैस कहाँ से भरेंगे इसमें? एलपीजी टैंक का किट यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा ये है इसकी एलपीजी? अच्छा सर टैंक थोड़ा आप टैंक दिखा सकते हो इसका? ये सर यहाँ से तो पैक है आपको ये? अच्छा ये इसका टैंक है जो आप जो बड़ा सा जो काला सा जो देख रहे हैं? अच्छा ये यहाँ से आपकी एलपीजी डाली जाएगी, यहाँ से एलपीजी भरी जाएगी, रिफिल किया जाएगी। अच्छा सर इसमें टैंक कितने केजी का? इसमें सर इसमें टैंक है 4 से 5 केजी का। 4 से 5 केजी आप इसमें एलपीजी गैस भर सकते हो और मतलब काफी सस्ता। अच्छा सर अपने घर के सिलेंडर से भी मतलब रिफिल कर लेते हैं काफी आराम से कर सकते हैं, मतलब आप पेट्रोल पंप पे मतलब जो सर भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब भाइयों के लिए यही तो अच्छी खास बात है कि आप घर के ईंधन से चलेगा, ईंधन से आप घर से जब निकलो तो उसको खुद डाल के चलो, टेंशन फ्री, भीड़ में जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपके घर के ईंधन से चलने वाला ऑटो है ये, मतलब एलपीजी से चलने वाला, मतलब इसके अंदर सिस्टम दे दिया कंपनी ने। अब माइलेज की बात, तो इसकी मतलब पेट्रोल में और एलपीजी में माइलेज क्या होने वाली है? सर इसमें इसकी बहुत अच्छी माइलेज है जो कि आप 50 से 60 रुपए में आपको 30 से 35 किलोमीटर चलेगा ये, मतलब 50 से 60 रुपए के खर्चे में 30 से 35 किलोमीटर चलेगा ये। मतलब 30 से 35 किलोमीटर चल जाएगा ये ऑटो, तो मतलब ये भी काफी फायदेमंद है, मतलब 30 से 35 किलोमीटर चला सकते हो मतलब इस ऑटो को। अच्छा सर का जो टायर का साइज है ना, कंपनी दे रही है 4-50-10 का टायर का साइज होने वाला, जो कि काफी बड़ा टायर का साइज है। और अगर शॉकर सस्पेंशन की बात करें तो आगे कंपनी सिंगल शॉकर दे रही है, काफी हैवी शॉकर है जो आप सामने देख रहे हैं, काफी बड़ा शॉकर दे दिया कंपनी ने और काफी मतलब ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है इस ऑटो रिक्शा की। अच्छा सर इस पे गारंटी वारंटी कितने टाइम की दे रही है कंपनी? सर इस पे कंपनी वारंटी दे रही है आपको 3 साल की। 3 साल की जो इंजन, जो गियर, इंजन या गियर बॉक्स इंजन कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कंपनी सही करा के देगी आप, यानी कि 3 साल तक उसको रिप्लेस करके देगी जी, मतलब सही करा कर देगी, सही करा के देगी 3 साल तक। तो मतलब दोस्तों आपको 3 साल तक की वारंटी भी मिलने वाली है, जो कि आप फाइनली इसते हैं सर इसकी प्राइस वगैरह को लेकर, मतलब अगर कोई ऑटो इसको खरीदना चाहे तो ये ऑटो कितने रुपए का पड़ेगा? सर इस टाइम कंपनी ने बहुत बड़ा बम्पर ऑफर दिया हुआ है जो कि 24,999 में आप ऑटो ले जा सकते हैं, मतलब 24,999 रुपए में दोस्तों आप ये ऑटो है ना आप अपने घर ले जा सकते हो, बम्पर प्राइस चल रहा है। यानी कि सर अच्छा ये 24,999 रुपए कैसे देने? ये एक साथ में देने पड़ेंगे आपको 24,999 रुपए। 24,999 रुपए मतलब क्या चीज है ये? सर डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट है? अच्छा सर डाउन पेमेंट देने के बाद फिर उसको क्या देना पड़ेगा? फिर उसको सर ये मासिक किस्त देनी पड़ेगी, हर माह किस्त आएगी। कितने रुपए की? लगभग 8400 रुपए की समथिंग किस्त आएगी। 8400 रुपए मतलब उसको हर महीने देने जी? तो कितने दिनों तक देने उसको? सर 4 साल तक। 4 साल यानी कि कोई भी ऑटो ड्राइवर भाई अपने खाते कमाते इस ऑटो को मतलब ले सकता है, चुका सकता है, मतलब उस पर कोई लोड नहीं पड़ने वाला। 24,999 रुपए अपने घर से लेकर आने और ये ऑटो अपने घर ले जा सकता है और 8400 रुपए यानी 8,400 रुपए हर महीने आपको 4 साल तक देने और ये ऑटो हो जाएगा। इसी से चलाना है, इसी से कमाना है, इसी से चुकाना है, मतलब काफी फायदेमंद होने वाला ऑटो भाइयों के लिए। अच्छा सर अब बात करते हैं अगर इस पे दिवाली ऑफर का, कोई दिवाली ऑफर भी चल रहा है क्या कोई? इस पर सर दिवाली ऑफर चल रहा है, इसके साथ में एक ग्राइंडर मिक्सर जूसर दिया जाता है। ग्राइंडर मिक्सर जूसर मतलब गिफ्ट में मिलेगा? गिफ्ट में मिलेगा। कब तक मिलेगा सर ये? ये सर दिवाली तक। दिवाली तक मिलेगा ये? अच्छा सर स्पेशल डिस्काउंट भी है क्या कोई एक्स्ट्रा? इस पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 14,000 से 15,000 रुपए का, मतलब 14,000 से 15,000 रुपए तक का मतलब स्पेशल डिस्काउंट भी जी, है जी, जी। मतलब ये कब तक के लिए है? ये सर दिवाली तक। दिवाली तक के लिए है। तो दोस्तों आप इस ऑटो को ले सकते हो, 14,000 से 15,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है और 24,999 रुपए की कीमत पर आप डाउन पेमेंट देकर आप ये ऑटो अपने घर ले जा सकते हो और 8400 रुपए की मासिक किस्त यानी कि 4 साल तक आपको पे करना है और ये ऑटो हो जाएगा आपका, यानी खाते कमाते ये ऑटो आपको मिलने वाला है। अच्छा सर व्यूवर्स या कोई भी ऑटो ड्राइवर भाई अगर इस ऑटो को खरीदने आए तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? सर जगदम्बा ऑटो व्हील्स सब्जी मंडी नियर सीपी ग्राउंड के सामने सेक्टर 3 भरतपुर राजस्थान। तो मतलब दोस्तों आपको अगर ये ऑटो खरीदना है तो आपको आना पड़ेगा जगदम्बा ऑटो व्हील्स जो कि पड़ता है
सीपी होटल के सामने सेक्टर 3 मंडी चौराया भरतपुर राजस्थान। तो आप यहां आकर इस ऑटो के लिए विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस ऑटो का फुल रिव्यू करा दिया और आपको ये टॉपिक का आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।